साहब आप आइए 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 आ जाइए, मैं अभी बीबी को बता के आती हूँ। नहीं नहीं किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज है। दानिया जरा बाहर जाके चांद को देखना, कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा? दानिया जरा बाहर जाके चांद को देखना, कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा? रोहन तुम्हें इस वक्त चांद कहां से याद आ गया? यार एक बार जाकर देखो तो सही, इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट, यू विल मिस आउट। मैंने पहले कभी नहीं देखा। रोहन तुम यहां क्या कर रहे हो? Thank you. These are really pretty. तुम किसी बात पर बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा। अब भी हूँ। अंकल एहसान की वजह से? आई एम सॉरी, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे इतने पर्सनल मैटर्स में कुछ भी कहने का, बट सिंस वी आर फ्रेंड्स इतना हक तो बनता है। तानिया हम सबका माजी होता है, हम सबसे गलतियां भी हुई होती, कुछ रिश्ते नए होते हैं, कुछ टूट गए होते हैं और कुछ जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। टूटे हुए रिश्ते अगर अजीज हो तो सब्र से उनका इंतजार करना बेहतर है, लौट आए तो बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो जबरदस्ती उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगी है, अपनी खुशी है और शायद कोई अपनी मजबूरी। You're right. And I agree 100%. लेकिन वो कोई नया रिश्ता नहीं था, वो मेरी माँ थी। पता है जब मैं 3 साल की थी ना तो वो मुझे छोड़ के चली गई थी, तो बस मैं यही सोच रही थी कि वो इतने सालों बाद आई, मेरी मंगनी पे आई और मुझसे मिले बगैर चली गई। I'm so sorry. It's okay. एक बात करो। Sure. अगर वो मंगनी पर आई थी तो यकीनन तुमसे मिलना चाहती थी, और अगर मिले बगैर चली गई तो यकीनन उसका भी कोई रीजन होगा। I think तुम्हें उसे जाकर मिलना चाहिए। After all, she's your mother. She deserves this. Yes. Cool, kaise? I love the color. Hope, right? तो अब मैं जाऊँ दानिया? जाओ, राज। Thank you.